गाइस, गेमिंग के बिना हम आज की अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर थोड़ी देर में पढ़ाई करने के बाद या ऑफिस के काम निपटाने के बाद हमें एंटरटेनमेंट के लिए गेम वेम का डोज तो चाहिए ही होता है। एंड अगर आप एक गेमर हो देन ये रहा पहला कूल गैजेट आपके लिए, इट्स फन की एस, दुनिया का सबसे छोटा लैपटॉप की तरह से फोल्ड हो जाने वाला गेमिंग कंसोल। इसे आप अपनी की चेन के साथ लगाकर रख सकते हो अपनी पॉकेट में, हमेशा रहेगा ये आपके साथ। इतना मिनी है ये साइज में, बट साइज छोटा है तो क्या हुआ, गेमिंग आप इसमें फिर भी कर सकते हो। आप घर में हो या घर से बाहर कहीं भी हो, जब भी गेम खेलने का मन करे इसे निकालो, अनफोल्ड करो एंड फिर इसमें खेलो अपने फेवरेट रेट्रो गेम्स, यानी वो गेम्स जिन्हें खेलते हुए हम सभी का चाइल्डहुड बीता है। ऊपर साइड रहती है इसमें एक छोटी सी स्क्रीन एंड नीचे वाले पार्ट में होती है बटन्स, लेकिन इतनी छोटी स्क्रीन होने के बावजूद भी इसमें आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई देगा। तो गेमर्स, कैसा लगा आपको दुनिया का स्मॉलेस्ट गेमिंग कंसोल? डू टेल मी इन द कमेंट्स। अपने स्पोर्ट्स कार्स, अपने फोन एंड पीसी या लैपी में गेम्स में बहुत दौड़ाई होंगी, बट इस गेमिंग डिवाइस से आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल में एक कार में बैठकर उसे ड्राइव कर रहे हो, यानी फुली रियलिस्टिक एंड इमर्सिव ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ये एक रेसिंग व्हील है, एक गेमिंग रेसिंग व्हील, एक तरह का ड्राइविंग सिमुलेटर। स्टीयरिंग को जिस साइड भी आप घुमाओगे, गेम में आपकी कार भी उसी साइड घूमेगी एंड कंट्रोल होगी उसी हिसाब से। और डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्टीयरिंग में कुछ एक बटन्स भी रहती हैं इसके। बस गेमिंग स्क्रीन के सामने इसे सेटअप कर लो एंड आपकी गेमिंग स्क्रीन बन जाएगी आपकी कार की विंडशील्ड। ऐसा लगेगा जैसे कार में बैठकर आप उसे एक्चुअल में ड्राइव कर रहे हो। एंड सिर्फ स्टीयरिंग ही नहीं, गियर भी रहता है इसमें, ताकि आपको बिल्कुल एक रियल वाला ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले। ओवरऑल रेसिंग गेम्स जिन्हें भी पसंद है उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है आज तक का। गेमिंग सेटअप अच्छा तभी लगता है जब वो बिल्कुल साफ सुथरा हो, क्लीन हो, विदाउट एनी क्लटर। और इस चीज में आपकी हेल्प करेगा Amazon पर मिलने वाला ये RGB हेडफोन स्टैंड। इसके बॉटम साइड, इसके बेस में RGB लाइट मिल जाती है देखने को, एंड ऊपर की साइड इसमें आप अपने हेडफोन को हैंग करके रख सकते हो, जो देखने में कूल लगता है। नीचे इसके बेस में ही कुछ एक पोर्ट्स वगैरह दिए रहते हैं। एंड अगर आपके बाकी के गेमिंग सेटअप में सारी चीजें RGB वाली हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, माउस पैड, ये सब RGB हैं, तो फाइनली इस वाले गैजेट से आपका सेटअप कंप्लीट होने वाला है। हेडफोन्स इधर उधर कहीं भी ऐसे ही नहीं रखना पड़ेगा एंड आपकी गेमिंग डेस्क इसकी मदद से लगेगी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑसम। 900 रुपए के शुरुआती प्राइस से ही आपको Amazon पर मिल जाएगा दोस्तों। अब ये रहा एक तगड़ा गैजेट मोबाइल गेमर्स के लिए, ये है गेमसर की तरफ से आने वाला एक मोबाइल ट्रिगर। एंड ये एक प्लग एंड प्ले गैजेट है, जस्ट इसे ओपन करो, इसमें लगाओ अपने स्मार्टफोन को एंड फिर स्क्रीन में टच करने का झंझट ही खत्म। गेम कोई सा भी हो दोस्तों, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, एपेक्स लेजेंड्स, कुछ भी, सारे FPS में ये आपको काफी ज्यादा एडवांटेज में रखेगा। इस ट्रिगर में बटन्स इंटीग्रेटेड ही रहती हैं एंड सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा इससे कि स्क्रीन का जो एरिया उस पर बटन्स को टच करते टाइम छिप जाता है वो भी आपको क्लियरली विजिबल रहेगा एंड एनिमीज आपको शूट कर पाए इससे पहले आप ही उन्हें निपटा दोगे। तो बेसिकली गाइस, मोबाइल गेमर्स इससे अपने गेमिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं फॉर श्योर। अब अगर इसके टाइटल में मैंने माउस लिखा ही ना होता तो क्या आप बता पाते कि ये डिवाइस क्या है? ना बता पाते, बट अब लिखना तो था ही। खैर, माउस तो ये है, बट सबसे यूनिक, सबसे अलग किस्म का एर्गोनॉमिक माउस है ये। नॉर्मल माउस को देर तक यूज करते रहो तो रिस्ट में, फिंगर्स में पेन होने लगता है ना, वो सब इसमें नहीं होगा। इसे ग्रैप करने का तरीका ही क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि बटन्स वगैरह इसकी भी आपकी फिंगर टिप्स पर ही रहेंगी, बट इसे आप चाहे जरा देर तक यूज करो या घंटों तक, फेटीग, पेन, ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही पतली पतली RGB लाइट्स रहती हैं इसमें, जो इसके लुक्स को और भी कूल बना देती हैं। वर्किंग पर्पस के लिए लेना हो या फिर गेमिंग के लिए, दोनों के लिए ये एर्गोनॉमिक माउस बढ़िया रहेगा। 4K गेमर प्रो, देखिए गेम्स खेलते टाइम डिस्प्ले क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपका उतना ही बेटर हो जाएगा। तो अगर आप अपने फेवरेट गेम्स को 1080p की जगह 4K रेजोल्यूशन में खेलना चाहते हो तो उसके लिए पूरा सेटअप बदलने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट स्विच टू 4K गेमर प्रो। ये गेम्स की लोअर इमेज क्वालिटी को इंस्टेंटली, यानी तुरंत ही 4K 60fps में अपग्रेड कर देता है विदाउट एनी लैग और एनी अदर प्रॉब्लम्स। और क्योंकि ये एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है तो यार इंस्टॉलेशन इसका सुपर सिंपल रहता है, बिल्कुल एक पेन ड्राइव लगाने जितना आसान। और इसे लगाते ही आपकी गेमिंग स्क्रीन फुल HD से अपग्रेड हो जाएगी 4K में एंड गेम्स में आपको पहले से कहीं ज्यादा डिटेल्स, क्लैरिटी, ये सब दिखाई देगा। कोई लेटेंसी नहीं, कोई FPS ड्रॉप्स नहीं, जस्ट स्मूथ 4K गेमिंग। ये गेम के इमेज कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस को काफी इंक्रीज कर देता है, जिससे गेमिंग के दौरान एक क्रिस्पी एक्सपीरियंस मिल जाता है। सो बेसिकली जस्ट दिस वन डिवाइस कैन मेक योर गेमिंग एक्सपीरियंस अ लॉट बेटर देन बिफोर। मूविंग ऑन,
अगर मैं बोलूँ आपसे कि अपने कीबोर्ड वगैरह को हटाओ अपनी गेमिंग डेस्क से एंड सिर्फ इस एक ऑसम कंट्रोलर से गेम्स खेलो, भले ही आपको इसके बारे में पता ना हो बट इसे देखकर इसे ट्राई करने का मन तो किया होगा ना, ये तो पक्का है। वेल दोस्तों, ये है एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस या कहें कि FPS गेम्स का फ्यूचर। ऑल्ट एवेटार मोशन कंट्रोलर कहते हैं इसे, एंड इसे बनाने का मेन पर्पज है गेमिंग सेटअप से कीबोर्ड को हटाना। हटाओ कीबोर्ड को, बेसिकली कीबोर्ड में जहां मूवमेंट और बाकी सारी चीजें करने के लिए 10 ठो बटन से याद रखनी पड़ती हैं, इस कंट्रोलर में वो सब आप बहुत इजीली कर पाओगे। एक नहीं, दो नहीं, इसमें 3 जॉयस्टिक्स होती हैं प्लस एक स्टीयरिंग व्हील भी होता है। अब ये आप खुद सोचो कि बड़े से कीबोर्ड में पूरे हाथ को फैलाकर रखना ज्यादा आसान है या फिर छोटे से कंट्रोलर को ग्रैब करके गेम खेलना। एंड मानता हूँ कि ये अभी नया नया आया है बट फिर भी हर चीज की शुरुआत तो कभी ना कभी तो होती ही है। मान लो पीसी आपका गेमिंग रूम में है बट आपको गेम खेलना है अपने बेडरूम में, बेड में लेटे लेटे, तो क्या करोगे? मैं बताऊं, ये हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइस ले लो। इसमें आप अपने प्लेस्टेशन गेम्स, पीसी गेम्स एंड एक्सबॉक्स गेम्स को जहां चाहे वहां खेल सकते हो, जब चाहे तब। इस कंसोल के मिड में एक मैसिव स्क्रीन होती है एंड दोनों साइड्स में होती है ग्रुप ऑफ बटन्स एंड जॉयस्टिक्स एज वेल। ये गैजेट काफी कॉम्पैक्ट है, आराम से आपके बैकपैक में आ जाएगा एंड गेम कोई सा भी खेलना हो, कितने भी हैवी ग्राफिक्स वाला क्यों ना हो, लाइक Assassin's Creed, God of War या कुछ भी, ये सारे गेम्स इसमें आप बहुत स्मूथली खेल पाओगे। तो आप हमेशा अपने पीसी को अपने साथ कैरी भले ही ना कर पाओ, उसके गेम्स जरूर आपके साथ रहेंगे ऑल द टाइम इस हैंड हेल्ड कॉन्सोल में। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसे मैंने भी फेस किया है पीसी के सामने बैठे वर्क या फिर गेमिंग करते टाइम, वो है फीट पेन की। अंडर द डेस्क अगर पैरों को रखने के लिए जगह ना हो तो पैर दर्द होने लगते हैं, बार बार हम उनकी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का ये जो सॉल्यूशन है वो बेहद सिंपल है, एक कोजी फुट रेस्ट है ये बेसिकली। इसे भी आप बाकी गैजेट्स की तरह ले सकते हो अमेज़न से, बस इसे लो, रख दो अपनी डेस्क के नीचे एंड फिर इस पर आप अपने फीट को प्लेस कर सकते हो पूरे कंफर्ट के साथ। एंड अगर आपको पैरों को टिका कर रखने की आदत नहीं है, पैर हिलाना पसंद है, देन इसे उल्टा करके रख दो एंड फिर इसमें पैरों को रखकर हिला सकते हो उन्हें आप, बेसिकली जो भी आपके प्रेफरेंस हो। इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा और वर्क करते टाइम या गेमिंग करते टाइम आपके पैरों में पेन जैसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मेरी सीपीयू में कुछ टाइम पहले ना काफी डस्ट वगैरह जम गई थी जिससे उसमें से अजीब सा साउंड आने लगा था एंड पीसी भी काफी स्लो हो गया था एंड मुझे उसे ले जाकर शॉप पर दिखाना ही पड़ा। अब समझ लो डस्ट एंड गंदगी बेसिकली पीसी या लैपटॉप को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में गाइस, आप ना फंसो इस प्रॉब्लम में, इसके लिए है ये कंप्रेस्ड एयर डस्टर, एक हैंडहेल्ड डिवाइस जो आपकी सीपीयू से सारी डस्ट को ब्लो करके रिमूव कर देगा। एंड सीपीयू ही क्यों, लैपटॉप, कीबोर्ड, इन सारे ही डिवाइसेस से भी डस्ट को रिमूव कर सकते हो आप इस गैजेट से। और सिर्फ इन डिवाइसेस ही नहीं, आपकी कार के इंटीरियर से लेकर घर के इंटीरियर्स भी इससे क्लीन हो जाएंगे। बेसिकली ऐसे कोने जिनमें धीरे धीरे करके काफी सारी डस्ट जमा हो जाती है एंड फिर कोई बड़ा नुकसान कर देती है, उस प्रॉब्लम से दोस्तों इस गैजेट की मदद से आप बच सकते हो। सो गाइस, अब आपकी बारी वीडियो को करने की लाइक, सो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स की वीडियोस आपको मिले सबसे पहले हमेशा। तो दोस्तों, सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।